हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट लॉस का भाग एक पार्ट वन और जानेंगे कि क्या होते हैं इसके बेसिक्स और इसके प्रश्नों को आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हमारी स्पेशली सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट तीनों एग्जाम्स के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट इन तीनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के सिंपल टाइप के प्रश्न आते हैं वो सारे यहाँ पे दिखाऊंगा। प्रॉफिट क्या होता है यानी कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आसान प्रश्न ही बताऊंगा आपको, मॉडरेट लेवल यानी कि आसान से थोड़ा सा कठिन प्रश्न भी बताऊंगा आज की वीडियो में। और सेकेंड पार्ट जो आएगा उसमें आपको सिर्फ हाई लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रय मूल्य लिखा हुआ है। तो क्रय मूल्य होता क्या, पहले मैं आपको बेसिक बता दूंगा इसके बारे में कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो पहली बार लाभ हानि पढ़ रहा हो तो उसको भी आराम से इस वीडियो को देख के समझ में आ जाए कि लाभ हानि होता क्या है और इसके प्रश्नों को कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य मतलब किसी वस्तु को हम कितने दाम में खरीदते हैं, यानी कि खरीदा हुआ मूल्य या फिर खरीदने का मूल्य। खरीदने का मूल्य कह सकते हैं इसको। जैसे कि अगर आप कहीं पे कुछ सामान खरीदने गए, दुकान पे गए और बोले कि वहां पे हमको चावल चाहिए आपको, तो वहां पे अगर वो आपको 40 रुपए में एक किलो चावल देता है आपको वो, तो यहां पे ये हो जाएगा जो 40 रुपए है वो हो जाएगा आपका, आपके लिए क्रय मूल्य। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जिस पैसे को देके आप किसी चीज को खरीदते हैं वो होता है आपका क्रय मूल्य। ये था आपका क्रय मूल्य। ठीक, इसके बाद क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस, सीपी इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद आता है हमारा विक्रय मूल्य। आप यहां पर देख लीजिए विक्रय मूल्य क्या होता है। जिस प्रकार से मैंने आपको अभी बताया क्रय मूल्य खरीदने का मूल्य होता है, उसी तरीके से विक्रय मूल्य क्या होता है, बेचने का मूल्य होता है, बेचने का मूल्य। जैसे अभी आपने एक एग्जांपल लेके देखा था कि 40 रुपए में आपने चावल खरीदा, ठीक, तो 40 रुपए में खरीदा आपने तो वो था क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। परंतु अगर उसी चावल को आप किसी दूसरे आदमी को 50 रुपए में बेच देते हैं तो वो हो जाएगा आपका क्या, विक्रय मूल्य। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि जिस प्राइस में, जिस पैसे में हम कोई चीज खरीदते हैं वो तो होता है आपका क्रय मूल्य यानी कि खरीदने का मूल्य। अगर उसी चीज को हम किसी दूसरे आदमी को कुछ ज्यादा पैसे लेके या फिर कुछ कम पैसे लेके उसको हम बेच देते हैं तो जो बेचने का मूल्य होता है वो होता है विक्रय मूल्य। ऐसा करता हूं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए तीसरा लिखा गया है लाभ। अब यहां पे सभी को पता होगा कि लाभ क्या होता है क्योंकि सभी लोग लाभ चाहते हैं। लाभ का मतलब होता है जब आप, सिंपल सी बात है, आप किसी, जैसे 40 रुपए में आपने खरीदा उसको कितने में बेचा आपने, 50 रुपए में, ठीक, तो आपको यहां पे कितने का लाभ हुआ, 50 में से 40 माइनस कर देंगे तो यहां पे आपको पता चल जाएगा कि 10 रुपए का यहां पे लाभ हुआ है आपको, 10 रुपए का। तो यहां पे इससे ये पता चलता है कि यहां पे ये क्या था, विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य, और ये क्या था आपका, ये था क्रय मूल्य। ठीक, यहां पे लाभ कब हुआ, जब आपका विक्रय मूल्य देख रहे हैं कि क्रय मूल्य से ज्यादा है तभी तो आपको 10 रुपए मिला यहां पे। तो इससे हमको ये पता चलता है लाभ तभी आपको होगा जब हमारा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा किससे, क्रय मूल्य से। ठीक,
समझ गए। और इसको निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लाभ निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपका लाभ का सूत्र होता है। ठीक, अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको थोड़े बहुत सूत्र याद करने होंगे। याद क्या करने होंगे आप समझ लीजिए, आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। इस पे प्रश्न लगा लेंगे तो आपको वैसे भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये था आपका लाभ। अब इसके बाद आपका आता है हानि। देख लीजिए यहाँ पे हानि लिखा गया है। तो लाभ तब होता है जब आपका विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय मूल्य से, तो उसी का उल्टा कर दीजिएगा। हानि है तो लाभ का उल्टा हानि होती है, तो हानि कब होगी, हानि कब होगा जब आपका क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से। यह है हानि का सूत्र। यानी कि जैसे अभी एग्जांपल लेके हमने देखा था, चावल को 40 रुपए में खरीदा था, 50 रुपए में बेचा था तो वहां पे लाभ हुआ था। परंतु अगर हम वो चावल 40 रुपए में खरीद के 30 रुपए में ही बेच दें उसको, तो हमको हानि हो जाएगी वहां पे 10 रुपए की। तो वहां पे हम किस तरीके से निकालेंगे, 40 रुपए में हमने खरीदा था और 30 रुपए में बेच दिया, तो हानि हो जाएगा हमारा 40 माइनस 10 10 रुपए, 40 माइनस 30 10 रुपए का। तो ये था लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब देख लेते हैं कि प्रतिशत लाभ क्या होता है और प्रतिशत हानि क्या होती है। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रतिशत लाभ लिखा गया है। तो प्रतिशत लाभ ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको प्रतिशत लाभ या फिर प्रतिशत हानि ही निकालने को आ जाता है। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं यहाँ पे हम देखते हैं। तो प्रतिशत लाभ निकालने का यहाँ पे सूत्र होता है, देख लीजिए कि प्रतिशत लाभ बराबर, क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ है, तो यहाँ पे लाभ लिख लीजिए। जैसे 10% या 20% का लाभ हुआ तो यहाँ पे लाभ हुआ आ जाएगा, बटे में आपका यहाँ पे आ जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे में 100% यहाँ पे लगा दीजिए। इसको आप अंदर भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे देख लीजिए ये था प्रतिशत लाभ का सूत्र। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको निकाला गया है। प्रतिशत लाभ का ये सूत्र है, यहाँ पे देख लीजिए कि अगर प्रतिशत लाभ पूछ लिया आपसे तो सिंपल सी बात है कि प्रश्न में आपको दे रखा होगा कि लाभ कितना हुआ है, 10% 10 रुपए का हुआ है, 20 रुपए का हुआ है, 50 रुपए का हुआ, कुछ भी दे देगा यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे रखेंगे लाभ की जगह पे। और वो कितने रुपए में खरीदा गया था, वो वस्तु कितने रुपए में खरीदा गया था, तो उसका खरीदा गया था मतलब कि वो वस्तु की लागत जो थी वो कितने रुपए थी, क्रय मूल्य उसका क्या था, तो यहाँ पे क्रय मूल्य से भाग दे देंगे लाभ में, और यहाँ पे प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया प्रतिशत लाभ का सूत्र। मान लीजिए यहाँ पे एक प्रश्न हम लेके आपको दिखा देते हैं कि कोई आदमी, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखा देता हूं मैं आपको कि कोई आदमी है वो कोई भी वस्तु खरीदता है 120 रुपए में, ठीक 120 रुपए में, और उसको बेचने पर 20% का लाभ होता है, ठीक 20% का लाभ होता है। तो यहां पे आपको बताना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहां पे कैसे बताएंगे आप इसको, यहां पे देख लीजिए कि आपको दिया क्या है, आपको दे दिया गया है परसेंटेज प्रॉफिट यानी कि प्रतिशत लाभ दे दिया गया है, वस्तु का जो लागत था वो दे दिया गया है कि इतने का वो आइटम था, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे यानी कि क्रय मूल्य उसका हो गया 120 रुपए, आपसे पूछा है विक्रय मूल्य उसका। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका जो सूत्र होता है, ये यहाँ पे लिख लीजिए कि विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 में जोड़ देंगे कितना, किसको, लाभ प्रतिशत को, और बटे क्या करेंगे 100 कर देंगे, और गुणे इसके इसमें क्या करेंगे क्रय मूल्य। ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र।
तो यहाँ पे देख लीजिए इसी प्रश्न से आपको ये सूत्र भी पता चल गया। तो विक्रय मूल्य आपको निकालना है, यहाँ पे देख लीजिए 100 लिखिए और उसमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ था, 20% का लाभ हुआ था तो 20 लिख लीजिए, बटे में 100 कर दीजिए। और क्रय मूल्य कितना था, 120 रुपए था, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 120 आ जाएगा। और यहाँ पे इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं, ऊपर 120 आ गया है, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, 120 गुणे 12 बटे 10, एक जीरो से ये भी जीरो कट गया, तो 12 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 144 रुपए उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विक्रय मूल्य अगर किसी वस्तु का निकालना हो गया तो उसको विक्रय मूल्य को कैसे निकाला जा सकता है। ये सूत्र लगा दीजिए आप, ये वाला आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। इसको आप एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए मैथ की, उसमें सारी चीजें नोट करते जाइए टॉपिक वाइज। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि का यहाँ पे सबसे पहले सूत्र मैं आपको बता देता हूं कि प्रतिशत हानि दिया गया है यहाँ पे, इसको इसका सूत्र देखते हैं हम। इसका सूत्र होता है हानि, सेम वही है जैसे लाभ था उसी तरीके से है, नीचे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे आप, परसेंट निकल जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक। ये होगा प्रतिशत हानि का सूत्र। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा प्रतिशत हानि का भी। यहाँ पे हानि मतलब कि 10 रुपए का हानि हुआ, 20 रुपए का हानि हुआ, कोई वस्तु दे देगा उसको। अभी मैं क्वेश्चन लेके आपको दिखा देता हूं इसको कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रतिशत हानि का सूत्र। अब चलिए देखते हैं इसी के ऊपर एक प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा देख लीजिए पहला प्रश्न है, साहिल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 2.5 लाख में खरीदा उसने और 3,48,000 में बेच दिया, तो उसको लाभ ही हुआ है। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, ठीक। अगर लाभ पूछ लेता तो कितना कैसे करते, 3,48,000 में से 2,50,000 घटा देते तो लाभ पता चल जाता, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत लाभ पूछा है तो आपको प्रतिशत लाभ का जो अभी मैंने सूत्र बताया था उसको यहाँ पे लगाना होगा। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे सूत्र क्या बताया था मैंने अभी, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए होता है सूत्र हमारा ब्रैकेट में क्या था, लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा किससे होगा, 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहाँ पे लाभ कैसे पता चलेगा आपको, मैंने अभी बताया कि 3,48,000 में से 2,50,000 घटा देंगे तो आपका लाभ आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 3,48,000 में से 2,50,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 98,000 आएगा, क्योंकि देख लीजिए अगर यहाँ 3.5 लाख होता, यहाँ 2.5 लाख था तो 1 लाख आ जाता, 2,000 यहाँ पे कम है तो यहाँ पे 98,000 आ जाएगा आपका लाभ। तो यहाँ पे 98,000 लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद क्रय मूल्य कितना था, इतने में खरीदा था 2,50,000 में और गुणे किससे होगा, 100 से होगा गुणा प्रतिशत निकालने के लिए। तो इस दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, इस दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे तो कितना अब यहाँ पे आएगा, देख लीजिए यहाँ पे कितना आ गया, ऊपर 980 बचा और नीचे कितना बचा, 25 बचा। अब इसको भाग कैसे देंगे, 25 × 3 = 75, चार बार तो जाएगा नहीं, 25 × 4 = 100 हो जाएगा, तो 3 ही बार जाएगा, 25 × 3 = 75 होगा, 75 के बाद कितना बचा इसमें, 25 × 4 = 100 हो जाता, तो लेकिन यहाँ पे 98 है तो 23 बचेगा यानी कि 230 बचा, 230 में भाग देंगे 25 का तो कितनी बार जाएगा, 250 जाएगा 10 बार में, तो 230 में 9 बार जाएगा तो 230 भागे 25 करेंगे तो 25 × 9 = 225 होगा, तो 5 बचेगा और, तो दशमलव लगा लेंगे, 5 के आगे दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो 25 × 2 = 50 आ जाएगा आपका, 39.2% इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि इतने प्रतिशत का उसको लाभ होगा, लाभ परसेंटेज। आशा करता हूं आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये बेसिक मैंने आप लोगों के लिए प्रश्न रखा था क्योंकि आप लोगों को सब शुरुआत से लेके हाई लेवल तक ले जाना है, ये नहीं कि डायरेक्ट मैं हाई लेवल का क्वेश्चन कराने लगूं जिसको बिल्कुल नहीं आता लाभ हानि उसको दिक्कत हो। तो यहाँ पे देख लीजिए ये लाभ हानि का पहला सिंपल सा प्रश्न था। अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए दूसरा प्रश्न है, ये भी सिंपल सा ही प्रश्न है क्योंकि स्टार्टिंग में मैं सिंपल सिंपल से ही प्रश्न कराऊंगा। ये मैं मुझे कमेंट में मत बताइए बोलिएगा कि सिंपल सिंपल से ही प्रश्न कराते जा रहे हैं, तो आपके लिए हाई लेवल के भी प्रश्न आएंगे बट स्टार्टिंग सिंपल से ही होती है। जिसको आता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वो अपने बेसिक को और तैयार कर सकता है, जिसको नहीं आता वो बेसिक ही पढ़ना चाहेगा शुरुआत में।
जिसके लिए ये प्रश्न है। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी वस्तु का जो मूल्य है, किसी वस्तु का मूल्य 8000 है, यानी कि यहाँ पे इस मूल्य का मतलब ये क्रय मूल्य है, जिसे वह 7200 रुपए में यानी कि 7200 रुपए में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस ये हो गई। तो यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे कि कितने प्रतिशत की छूट देगा कि यहाँ से 8000 में उसने खरीदा और कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है कि वो 7200 में बेच रहा है। जैसे कि आप लोग कहीं भी सामान खरीदने जाते होंगे मॉल वगैरह में, तो वहां देखते होंगे 30% फ्लैट, 30% डिस्काउंट फ्लैट, 25% डिस्काउंट, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो वहां पे इस टाइप का ही कंडीशन अप्लाई होता है कि वहां पे दाम तो लिखा रहेगा इतना, बट आपको कितने कुछ प्रतिशत की छूट दे देगा जिसके बाद आपको कुछ कम पैसे में वो सामान मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है प्रतिशत छूट निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो पता लगाएंगे कि कितना छूट हुआ है। तो हमको यहाँ पे कितना क्रय मूल्य क्या था हमारा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे, अगर हम कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना हमको छूट मिला, कितने रुपए का। तो यहाँ पे था 8000 माइनस 7200, तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि यहाँ पे 800 रुपए का हमको छूट मिला है। अब प्रतिशत कैसे निकालेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए ये 800 रुपए को हम किससे भाग देंगे, मैंने बताया था कि प्रतिशत जो यहाँ पे छूट होगा इसको निकालने के लिए यहाँ पे जो हमारा 800 रुपए छूट आया है उसको हम यहाँ पे क्रय मूल्य जो है यानी कि कॉस्ट प्राइस उससे भाग दे देंगे। तो क्रय मूल्य हमारा क्या है, यहाँ पे 8000 है। अब प्रतिशत निकालने के लिए सबको पता है कि यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 80/8, 10% की छूट होगी, तब जाके वो 7200 रुपए में मिला है 8000 का चीज। यहाँ पे मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि काफी ये सभी लोग बताते हैं और ये सिंपल सी बात है कि हमेशा जो हम भाग देते हैं ना किसी भी चीज में, आप इसके पहले वाले प्रश्न में भी देखे होंगे कि हमने क्रय मूल्य से ही भाग दिया था, कहीं पे भी आप देखेंगे तो हमेशा क्रय मूल्य से ही भाग देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य को ही बेस माना जाता है हमेशा, जब तक प्रश्न में ये ना दिया जाए कि जो प्रतिशत कुछ भी निकालना है, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, प्रतिशत छूट कुछ भी निकालना है, वो ये स्पेसिफाई ना कर दे प्रश्न में कि जो आपको प्रतिशत छूट निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है, वो आपको विक्रय मूल्य पे के आधार पर निकालना है। अगर विक्रय मूल्य के आधार पर निकालना है तब आपको यहाँ पे विक्रय मूल्य रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको यहाँ पे क्रय मूल्य ही रखना पड़ेगा हर प्रश्न में। तो इसका था आंसर 10%। आशा करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, आपको ये प्रश्न अच्छा लगेगा, थोड़ा सा लो लेवल से थोड़ा सा हट के है, इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा, तो देखिए इसको, इस प्रश्न को कितने आसानी से कर सकते हैं सॉल्व। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है 1140 रुपए में एक घड़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई, ठीक, वह घड़ी कितने में बेचे कि उसे 4% का लाभ हो। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए इस चीज को कि जब उसने 1140 रुपए में बेचा था तो उसको 4% का हानि हुआ था, अब वो ये चाहता है कि वो कितने में बेचे कि उसको 4% लाभ हो। तो यहाँ पे कितने का अंतर आएगा, पहले था वो 4% हानि भी बेचेगा तो मतलब कि 96% में बेचेगा, 100% में बेचता तो कुछ लाभ होता ना तो हानि होता, तो 96% 4% से हानि पे बेचा तो 100 में से 4 माइनस कर देंगे तो 96% आ जाएगा। 96% में उसने कितने में बेचा था, देखिए इसको, 1140 रुपए में जब बेचा था तो 96% उसका दाम आया था क्योंकि 4% हानि हुई थी इतने पे बेचने पे। अब वो क्या चाहता है कि 4% लाभ हो कितने पे बेचने पर, तो 4% लाभ मतलब कि 100% से 4% ज्यादा कर देंगे तभी उसको 4% का लाभ होगा। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वो कितने पे बेचे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यही पूछ रहा है आपसे। तो इस तरीके के प्रश्नों में कुछ नहीं करना होता, आपको इस तरीके से लिख लीजिए जिस तरीके से मैंने लिखा है और तिरछे गुणा कर दीजिए। इसको मैं फिर से लिख के आपके लिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर देता आपके लिए, यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ इसको, 96 लिखिए और इधर लिखिए 1140, इधर लिखिए 104, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क को इधर ले जाइए, इसको आप इधर ले जाइए गुणा कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क का इधर गुणा होगा तो कितना होगा, देख लीजिए इसको आप ध्यान से, क्वेश्चन मार्क का गुणा इधर करेंगे आप तो कितना आएगा, 96 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर कितना होगा, 1140 गुणे 104, यही होगा ना। आप क्वेश्चन मार्क के बराबर कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क के बराबर आपका आ जाएगा 1140 गुणे 104 बटे में 96, ठीक। अब इसको आप देखेंगे ध्यान से तो 96 किससे कटेगा,
8 से अगर कटेगा तो देख लीजिए इसको काट के छोटा भी कर, 2 से काट सकते हैं, लेकिन 2 से काटेंगे तो कई बार जाएगा। तो इसको अगर आप प्रैक्टिस करे रहेंगे आप सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का, तो इसको आप आसानी से कट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 8 से कटेंगे काटेंगे इसको तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 12 बार गया। जब 96 12 बार गया तो 104 कितनी बार जाएगा 8 से काटेंगे तो 96 8 13 13 8 104 होता है। तो यहाँ पे 13/12 हो गया। अब देखेंगे तो 12 से ये कट रही है वैल्यू, 12 कितनी बार जाएगा इसमें देखेंगे तो 12 × 9 = 108 कितना बचा यहाँ पे, 6 बचा और 0 बचा, तो 12 × 5 = 60 आपका कितना आ गया यहाँ पे देख लीजिए, 95 × 13। आप डायरेक्ट इसका गुणा करके पहाड़ा पढ़ के इसका आंसर निकाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, 95 × 10 करिए, 95 × 10 करें कितना आएगा, 950 आएगा, 95 × 3 करिए, 95 × 3 करें कितना आएगा, 95 × 3 = 285 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आंसर आपका आएगा, 950 और 285, इसमें 50 जोड़ दीजिए तो 1000 हो जाएगा, इसमें 50 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 235 बचेगा, तो यहाँ पे आपका आ गया 1235 आंसर आपका। कि आप 4% जब उसको लाभ चाहिए तो 1235 रुपए में बेचेगा तो उसको 4% लाभ होगा, यानी कि 104% की वैल्यू हो जाएगी 1235 रुपए। आशा करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए चौथा प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है जिसमें मानना पड़ता है आपको, तो यहाँ पे बच्चों को मानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि क्या माना जाए कैसे माना जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 20% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है यहाँ पे आपको। तो सिंपल सी बात है, इसको समझने की कोशिश करिए, जितने अच्छे तरीके से इसको आसानी से समझ लेंगे इस प्रश्न को उतनी जल्दी ही कर लेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 20% है, तो यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे कि हमको हमारा प्रश्न आसान बन जाए। तो अगर हम विक्रय मूल्य को, क्योंकि हमको विक्रय मूल्य के सापेक्ष में यहाँ पे देख लीजिए 20% दिया है क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को हम अगर हम 100 मान लेते हैं तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 20% है हमारा विक्रय मूल्य का, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। अगर हम कुछ दूसरा मानते विक्रय मूल्य तो हमको 20% निकालने में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती, परंतु अगर हम डायरेक्ट 100 मान लेते तो उसका 20% सभी को पता है, 100 का 20% 20 ही होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको यहाँ पे क्रय मूल्य भी पता चल गया और विक्रय मूल्य भी पता चल गया है, तो आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है आपको। तो सिंपल सा प्रश्न बन गया, इसी में थी कलाकारी, इसको आप मान लिए तो आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा है प्रतिशत लाभ का मैंने सूत्र क्या बताया था, लाभ बटे में क्या था, क्रय मूल्य गुणे में 100 कर लीजिए और बाहर प्रतिशत लगा सकते हैं यहाँ पे। तो लाभ कितना हुआ है उसको, यहाँ पे आपको बताना है लाभ कितना हुआ है, 100 में से 80 का खरीदा था, 100 में बेच दिया तो लाभ कितना हुआ, 100 में से 20 घटा देंगे तो आपका कितना आएगा लाभ, यहाँ पे अगर निकालना हो हमको तो लाभ कैसे निकालेंगे, 100 - 20 कर देंगे भाई, 20 रुपए में खरीदा था और 100 रुपए में बेच दिया तो उसको 80 रुपए का ही तो फायदा होगा, तो यहाँ पे लाभ आपका आ जाएगा 80 बटे में क्रय मूल्य कितना था, 20 रुपए का खरीदा था गुड़े में 100 कर लीजिए, 20 × 4 = 80, 100 × 4 यहाँ पे आपका आ जाएगा 400% का उसको लाभ होगा। ठीक, आशा करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न अच्छा लगा होगा। इस प्रकार के प्रश्न ज्यादातर एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो इस तरीके के प्रश्न को आप करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि मानने वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें कितना माना जाए कैसे माना जाए कि प्रश्न को आसान किया जा सके। तो अब देखते हैं दोस्तों पांचवा प्रश्न, यहाँ पे देख लीजिए पांचवा प्रश्न दिया गया है आपके सामने। यहाँ पे ये भी एक अच्छे तरीके का प्रश्न है, इसमें भी थोड़ा सा आपको सोचने वाली बात है कि आप अगर सोच लेंगे तो इस प्रश्न को बहुत जल्दी कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न में लिखा गया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य, यानी कि उस पर जो प्राइस लिखा गया है, आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर कुछ पैसा लिखा रहता है, तो उसका जो अंकित मूल्य है वो है 500 रुपए। अब दुकानदार जो है उस पर 5% की छूट दे रहा है, ठीक, छूट दे रहा है तो आप खुश हो जाएंगे, परंतु उसके बाद भी वो 25% का लाभ कमा रहा है। सोचिए कि 500 रुपए की चीज है, उसमें 5% की छूट भी दे रहा है दुकानदार, फिर भी वो 25% का लाभ कमा रहा है। तो आपको वस्तु की उस वस्तु का लागत मूल्य बताना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस बताना है, यानी कि क्रय मूल्य बताना है आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे बोल रहा है वो आपसे कि यहाँ पे आपका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही सोचने वाली बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। 500 रुपए अंकित था उसपे, अब 500 रुपए के बाद उसने कितने पे उसको बेचा है, 5% छूट करके बेचा है, तो 500 रुपए का 5% कितना होगा, 500 रुपए का 10% होगा आपका 50 रुपए, परंतु यहाँ पे 5% ही निकालना है, तो 50 रुपए का आधा कर दीजिए 25, तो 500 में से 25 हटा देंगे तो आपका आ जाएगा 475 रुपए विक्रय मूल्य है। अब जब 475 रुपए पे बेचता है वो दुकानदार, तो उसको 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ मतलब कि उसको जो है प्रॉफिट होता है यहाँ पे, यानी कि लाभ जो है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, लाभ उसको होता है 25% का, ठीक। 25% के लाभ पे बेचता है तो इतना, इतने का बेचता है तो 25% लाभ होता है, तो 25% का लाभ मतलब ये जो दिया गया है 475 रुपए वो 125% की वैल्यू होगी ये, ठीक। समझ में आ गया आपको कि उस दुकानदार को 5% छूट के देने के बाद ही 25% का लाभ हुआ है, तो जितने पे बेच रहा है, जितने पे वो दाम निकाल लिया आपने, उतने पे बेचने पे उसको 25% का लाभ हो रहा है, तो 100% में खरीदा होगा तो 125% में बेच रहा है, तो 125% बराबर आपका आ गया 475 रुपए। तो यहां से आप देख लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, लागत मूल्य पूछा, यानी कि 100% की वैल्यू पूछा है आपसे। जब 125% की वैल्यू आपकी हो जाएगी, 125% की वैल्यू यहां पे हो जाएगी आपकी 475 रुपए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 से अगर 25 से डायरेक्ट काट दीजिए, 25 × 5% आ गया, 5% की वैल्यू कितनी आएगी, 25 दो बार तो जाएगा नहीं, 50 तो है नहीं, 25 से कम जाएगा, बचे कितना 23, ठीक, समझ में आ गया, 22 बचेगा, 25 गया तो 22 बचेगा, 2 × 2 = 5, यानी कि 225 बचा, तो 25 का आपको पहाड़ा अगर आता होगा तो 25 × 9 कितना होता है, 25 × 9 = 225 होता है, तो 5% की वैल्यू आ गई 19, तो यहाँ पे 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी। मैं आपको सिंपल वे में करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, 5% की वैल्यू है 19, तो 10% की वैल्यू डबल हो जाएगी, तो 19 का भी डबल हो जाएगा आपका 38 रुपए। अब आपसे पूछा क्या था, 100% की वैल्यू पूछा था, क्योंकि आपका लागत मूल्य आपका 100% ही होगा, क्रय मूल्य 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 380 रुपए, 10% था 38, 10 इधर बढ़ा तो इधर भी 10 बढ़ा देंगे, तो आपका 380 रुपए इसका आंसर आ जाएगा, कि उसकी लागत जो वस्तु की लागत मूल्य था वो 380 रुपए था। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आप लोगों को, अगर इसके बाद मैं अब हाई लेवल के प्रश्न बताऊंगा तो उसको सेपरेट वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको पढ़िएगा, इसको इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा, और आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो सिर्फ आपसे मैं कुछ नहीं मांगता, आपसे बस लाइक मांगता हूँ, और अगर इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी शेयर कर दिया करिए, जिससे आपके दोस्तों का भी हेल्प हो सके, जितने लोगों का आप हेल्प करेंगे उतना ही आपका फायदा होगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और इस वीडियो, अगर आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट न्यूज की वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।